हाँ बेटी, कुछ कह रहे हैं आप? नमस्कार मामा जी। नमस्कार बेटी, बड़े होके क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर, बहुत अच्छे। पढ़ाओगी लोगों को, बच्चों को पढ़ाओगी? हाँ। बहुत बधाई आपको, अच्छी टीचर बने। और आपको और आपके पापा और मम्मी दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब हम चल रहे हैं सागर। सागर में हट जाओ भैया। हेलो 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 सर, सर परफेक्ट। आशीष जी, ये बताइए आपके किस चीज़ का आप ठेला लगाते हैं और क्या आपको लॉकडाउन में दिक्कत हुई थी और उसके बाद क्या हुआ था? सर, मेरा श्री गायत्री चाइनीज़ फास्ट फूड का ठेला सैयाजी द्वार पर। मैं सर इसका फास्ट फूड चाइनीज़ मंचूरियन नूडल्स बनाता हूँ। उसके बाद में सर लॉकडाउन में हमारा पूरा व्यवसाय बंद पड़ा था, तो उसके बावजूद हमें काफ़ी दिक्कत आई थी खोलने में। तो प्रधानमंत्री सुयोजना के अंतर्गत हमें नगर निगम द्वारा जो अवगत कराया था कि 10,000 रुपये का आपको लोन दिया जा रहा है, तो साहब अपना व्यवसाय वापस से चालू कर सकते हैं। तो हमने वो फॉर्म भर के वापस से लोन के अप्लाई करा और हमें कम से कम 10 से 15 दिन में हमारा लोन सैंक्शन हो गया। और हमें जब लोन मिला तो हमने अपना व्यवसाय वापस से चालू करा। क्या लाभ हुआ उसके बाद आपको? सर, उसके बाद लाभ यह हुआ कि हमें बाहर से कहीं से पेमेंट नहीं लेना पड़ा, किसी से उधार जो बैंक द्वारा पेमेंट दिया गया था उससे ही हमने हमारा व्यवसाय वापस चालू कर लिया, बिना ब्याज के पेमेंट से कर लिया। अभी बाहर से कहीं से पेमेंट लेते तो उसका ब्याज देना पड़ता काफ़ी, और फिर हमें परेशानी होती उसका ब्याज दें कि मूल दें। अब खाली इसमें मूल हर महीने आसान किस्त में भरा जाता सर। मानता है योजना बहुत अच्छी जी सर, काफ़ी अच्छी योजना है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति को कहीं बाहर दूसरी जगह से पेमेंट नहीं लेना पड़ रहा ब्याज में नहीं है, तो गरीब व्यक्ति या तो ब्याज भरेगा बाहर से 10-12% पे लेके ब्याज भरे हर महीने, या मूल दे, ब्याज ही ब्याज में इतना पेमेंट हो जाता है कि मूल तो दिलाता ही नहीं है। तो सर उस चक्कर में हमारे को ये फ़ायदेमंद रहा कि बैंक द्वारा बिना ब्याज के पेमेंट था, वो आसान किस्तों में हमारे से जमा करवा के हो गया सर। अच्छा, ये बताइए कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी आपसे ऑनलाइन जो है बात की, कैसा आपको लगा और उन्होंने क्या कहा आपसे बातचीत? सर, उन्होंने यही पूछा कि उन्होंने आपको योजना का, हमें काफ़ी उनसे बात करके एक अच्छा अनुभव हुआ कि एक प्रदेश के मुखिया हमसे बात कर रहे हैं, वो एक काफ़ी खुशी थी। और उसके बाद में एक ये था कि सर उन्होंने यही पूछा उन्होंने लॉकडाउन में कैसे क्या थी, तो सर हमने यही बताया उन्होंने काफ़ी अच्छा रहा, योजना के बारे में पूछा उन्होंने तो हमने यही कहा कि अच्छी योजना है ये। बताया जा रहा है आपकी बच्ची से भी सीएम साहब ने बात की थी? जी हाँ, बच्ची से ही बात करी थी उन्होंने, तो इसका लाडली लक्ष्मी योजना में है तो इसके अंतर्गत उन्होंने इससे बात करी थी। अच्छा, सीएम साहब ने जो है डायरेक्ट प्रदेश के मुखिया, उन्होंने आपसे बात की, हाल जाना कैसा आपको लगा कि कैसे ऐसे मुख्यमंत्री भी है प्रदेश में जो सीधे संवाद करते हैं इतने छोटे लोगों से, फुटकर व्यापारी से? जी, ऐसे सीएम होना ही चाहिए कि डायरेक्ट एक छोटे व्यक्ति से नहीं, तो काफ़ी सीएम तो ऐसे हैं कि खाली बड़े लोगों का ध्यान रखते हैं कोई व्यक्तिगत। अब ये सीएम साहब हमारे ऐसे हैं कि हम खुद विक्रेता से यानी फुटपाथ पर खड़े हैं उसमें भी हमारे से बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी। एक बार नाम बताइए। आशीष सोलंकी नाम। गाय का ठेला लगाते हैं? गायत्री चाइनीज फास्ट लगाया था और बताया जा रहा है कि देवास क्षेत्र में जो हितग्राहियों को लाभ भी पहुँचाया गया, क्या योजना थी और क्या लाभ पहुँचाया और आज क्या तारीख है? देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, जो ठेले पे घुमकी पे या कहीं पर बैठ के व्यवसाय करते हैं, उनके लिए एक योजना है जिसमें बेसिकली कोरोना के दौरान में जो लोगों को नुकसान हुआ उसके तहत 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है, जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है, सरकार उसका इंटरेस्ट सब्सिडी भरती है।
तो आज उसी के तहत पूरे मध्य प्रदेश में 50,000 लोगों को ये लाभ दिया गया और देवास में भी करीब 6,000 लोगों को इसका लाभ दिया जा चुका है अभी तक। और आज हमारे यहाँ एक हितग्राही थे दिनेश सोलंकी, उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बातचीत करी। सर, जिस तरह आपने कहा है कि इससे योजना इससे आपका लाभ दिया गया, क्या फ़ायदा होगा इससे जो ठेला लगाते हैं और जो फुटकर व्यवसाय करते हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान में इन लोगों का रोज़गार जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। लोगों का जो कि ये ऐसा वर्ग है जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, उस दौरान में इनके पास जो भी था ये खर्च कर दिए थे लॉकडाउन में। तो सरकार ने अपनी तरफ से एक ये पूंजी जो है इनको लोन के रूप में मुहैया कराई, तो इन्होंने अपने रोज़गार को फिर से उससे शुरू करा। जैसा आज हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा भी हितग्राही है, उनका भी यही है कि उनका भी ठेला ख़राब हो गया था, कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, जो ये पैसा इनको प्राप्त हुआ तो उन्होंने इससे व्यवसाय करा। क्योंकि ये समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो इस तरह से सड़कों पे, चौराहों पे, गली मोहल्लों में घूम घूम के व्यवसाय करता है और बहुत ही कम रोज़ाना की उनकी आमदनी होती है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी, जिसका कि मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर है पूरे देश में लाभ देने में, तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। थैंक यू। और हमको देखने में आया कि सीएम साहब लाइव है, क्या कुछ जो प्रोग्राम था और देवास में भी जो है बात की गई, किससे बात हुई? कर्मचारियों द्वारा जानकारी दी गई मुख्यमंत्री जी योजना के बारे में, स्वरोजगार योजना को लेके हितग्राहियों से उन्होंने संवाद किया। इसी की कड़ी में आज उन्होंने देवास में एक हितग्राही से बातचीत की। आज एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 50,000 हितग्राहियों को 10,000 का लोन दिया गया। इसी कार्यक्रम में आज देवास की बारी थी, हितग्राही से उन्होंने बात की, उनके बारे में जाना कि किस तरह से इस योजना का लाभ सबको मिल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है क्या, उसका क्या फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। और देखने में आया कि लोग बहुत खुश हैं, 10,000 से कोरोना के बाद ठप हुए कारोबारों को उन्होंने जीवित किया है और उसके बाद उस लोन को चुका के 20,000 का लोन ले रहे हैं। जिन्होंने 20,000 का लोन लिया है उसको चुका के वो अब 50,000 का लोन ले रहे हैं। तो इस तरह की योजना जो आम जनता को एक संजीवनी के रूप में मिली है, उसका आज कार्यक्रम था, इसके तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी निवास में कनेक्ट हुए थे। क्या मानते हैं पहला जो है, अगर लोन की बात की जाए सुविधाओं को, तो उद्योगपति तो कि इसका लाभ पहुंचता था बैंकों से लेते थे, लेकिन अब जो है देखने में आ रहा है फुटकर व्यापारी या ठेला व्यवसाय या सब्जी व्यवसाय, ये लोन केवल बड़े लोगों के लिए था या बड़े बिजनेसेस के लिए था। कोरोना के बाद देखने में आया कि जो रोज़मर्रा काम करते थे और रोज़ की कमाई से अपना घर का भोजन चलाते थे, उन लोगों का जो बिजनेस ठप हुआ था, ठेला गाड़ी वाले हैं, फेरी वाले हैं, डेली काम करने वाले हैं, महिलाएं जो रोज़ घर से काम करती हैं, उनके बिजनेस को फिर से शुरू करने के लिए 10,000, 20,000 और 50,000 के लोन सरकार ने देना शुरू किया है। आप मानते हैं बड़ी उपलब्धि सरकार की, जो लॉकडाउन में इकोनॉमी ठप हुई थी उसको उठाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। यस सर।